हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है कोमल का बर्थडे, सो मेरे लिए अभिलाष कोमल के लिए आज बहुत स्पेशल दिन है। सो लेट्स बिगिन आवर ब्लॉग। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो जस्ट घर से निकल रहा हूँ, ऋषि को बुलाया मैंने क्योंकि मैंने बहुत सारे गिफ्ट बनाए कोमल के लिए। कोमल का ही बर्थडे का जो सरप्राइज प्लान था वही मैं कॉपी कर रहा हूँ। सो कोई ना, ये जो गिफ्ट है मैं उसको शाम को देने वाला हूँ। अभी उसको एकदम ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ भी स्पेशल नहीं किया मैंने उसके लिए। सो कोई ना, ये गिफ्ट मैं ऋषि को हैंड ओवर कर रहा हूँ और निकल जाऊंगा उसको लेने के लिए। ये सब गिफ्ट है और उसको जितने साल हुए हैं उतने ही गिफ्ट है यहाँ पर। तो ये अभी मैं ऋषि को दे रहा हूँ क्योंकि उसको शाम को बुलाऊंगा मैं जहाँ पर सरप्राइज देना है। सो लेट्स गो। छोटा सा सेलिब्रेशन भी करना है, सो लेने आया हूँ एक पेस्ट्री। सो एक पेस्ट्री लेते हैं क्योंकि हम दोनों ही रहेंगे। सो पेस्ट्री लेकर निकल जाएंगे कोमल को लेने के लिए। पेस्ट्री लेने के बाद कोमल के लिए कुछ तो छोटा सा गिफ्ट लेना था, एंड एक्चुअली चॉकलेट लेने वाला था। चॉकलेट कोमल को अलाउड नहीं, डॉक्टर ने बोला है। सो दैट अभी मैं उसके लिए फ्रूट्स लेना हूँ, एकदम अजब गजब गिफ्ट उसके लिए। सो लेट्स गो टू बाय सम फ्रूट्स। बर्थडे गिफ्ट के लिए फल वाले भाई से फल ले रहा था, लेकिन वो देखो क्या बोल रहे। पहली बार गिफ्ट में फल सुना है। हाँ भाई, प्यार ही उतना है भाई। जाते जाते ना मुझे हमारे पबजी वाले फ्रेंड मिले, सो गिफ्ट उनको दिखाया। एक्चुअली ना, मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कोमल को उसके गांव में लेने के लिए आया हूँ और वो रुकी है सामने। सो यहाँ पर कोमल मेरा राह देख रही है और शायद से थोड़ा सा गुस्सा है। गाइस, एज यूजुअल मुझे आने को लेट हुआ है और कोमल थोड़ी सी गुस्सा है। सॉरी, ठीक है कोई ना। लेकिन गाइस, इस गुस्से को शांत यानी कि ठंडा करने के लिए आपने बस एक मस्त आइडिया है। तो लेट्स स्टार्ट। कम सॉरी, आणले देवडे मस्त रोज आहेत ते, छान आहेत म्हणून नाही। सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट अ बर्थडे। सो छोटा सा सेलिब्रेशन है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले कैंडल जलाएंगे, लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear bhai ko, happy birthday to you, funknar code as that's my girl as masto karecha theek hai. So happy birthday to my wife, happy birthday thank you. So guys, it's time to give a wonderful gift jo ki maine kongal ke liye liya hai. So come on, gift pa jana. Okay, so This is your gift. Hey. Happy birthday. Chocolate नहीं खाने के लिए बोले, वो बहुत ज़्यादा खा। So guys, chocolate खाने के लिए नहीं बोले, इसके लिए मैंने उसको फल लिए, उसको पसंद आए होंगे। फल ही खाने होंगे क्योंकि जल्दी बड़ा होना है। तो guys, birthday celebration हो गया छोटा सा। तो आज का हमने प्लान किया है कि गणपति बापा का दर्शन करेंगे। सो दैट अभी जा रहे हैं महड़ के गणपति बापा का दर्शन लेने के लिए। गणपति बापा मोरिया। अभी हम अंदर आ चुके हैं और अभी गणपति बाप्पा के लिए लेंगे मस्त सा हार। ओके, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, सो दर्शन लिया, अंदर बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था। सो जस्ट बाहर आए हैं और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा व्यू है गाइस। सो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं और यहाँ से निकल जाएंगे फिर से। वहाँ पर थोड़ा टाइम रुके और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई ना, बारिश अभी जस्ट बंद हुआ है। सो यहाँ से निकल रहे गाड़ी लेकर अपना। सो लेट्स गो, कहाँ पर जाते देखते हैं। अभी हमें कुछ उद्योग नहीं था, इसके लिए हम मिलने आए भूषण को। उद्योग में मोबाइल लेना है। चलो कोमल मोबाइल लेने वाली, मेरे को डबी। सो डिसाइड करके हम आ चुके हैं फूड मॉल में। एक्चुअली कोमल का बहुत मन हो रहा था पिज्जा खाने का और ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से बंदी ने कुछ भी फास्ट फूड नहीं खाया है। सो आए फूड मॉल, यहाँ पर देखते क्या क्या खाएंगे। सो लेट्स गेट इन। तो कम खुश है अभी तो, खुश है स्माइल देखो। अंदर आने के बाद ही बात कोमल हो गई है दीवानी, या वहाँ देख रही है और उसको जो दिखे वो खाने का मन हो रहा है। सो दैट सबसे पहले तो KFC में जाएंगे और देखते हैं क्या ऑर्डर करेगी कोमल। तो
गाइस कोमल ने ना, कोमल ने एकदम जोर से एकदम जबरदस्त शुरुआत की है। अरे बाबा चिकन लेग पीस बोल रहे ना, चिकन लेग पीस। एंड यहाँ पर हाजिर है कम्मो का सबसे फेवरेट चीज जो कि है पिज्जा। सो अभी ये खाना स्टार्ट कर दीजिए। गाइस अभी इतना खाया है ना, इतना खाया है, बंदी बोल रही है 10-15 मिनट बैठते हैं उसके बाद ही जाएंगे। तो अभी कोई ना थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर जाएंगे यहाँ से। बाहर आए और यहाँ पर बंदी ने गाड़ी पे चढ़ भिड़ के एकदम मस्त फोटोशूट किया। और यहाँ पर अभी हम कंटाल गए तो यहाँ से निकल रहे, थोड़ा सा आगे आने के बाद इसको फिर से फोटो निकालने की चूल आई। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर नदी के बाजू में इसने फोटो निकालने के लिए रुका है। सो दैट लेट्स क्लिक सम पिक्स एंड लेट्स गो फ्रॉम हियर। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद हम करजत पहुँच गए। कम्बो को मैंने वहाँ पर कार में बिठाया है और मैं और चिराग मस्त सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो अभी मैं कोमल को चिराग के साथ भेजूंगा। तो चिराग भाई लेट्स गो टू अड़ेवली। हाँ, सो चिराग उसको लेकर जाएगा और मैं पीछे से घर वालों को लेकर जाऊंगा। सो अभी देंगे कोमल को बर्थडे का प्रॉपर सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे कोमल। तो अभी कोमल जा रही है उसका बर्थडे गिफ्ट लेकर, ये देखो। या तो घर आके फ्रेश वगैरह हो गया और अभी आई और वहीनी को लेकर जाना है कोमल के घर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सो लेट्स गो। तो अभी आया हूँ केक लेने, ग्लोबल केक्स में दादा की तरफ से केक लेकर जा रहा हूँ और जाऊंगा डायरेक्ट कोमल के घर। गाइस मैं कोमल के घर पहुंच चुका हूँ। अभी मैं एकदम शांत रहूंगा क्योंकि ऐसा मैं यहाँ पर यहाँ का जाऊ ही हूँ ना, इसकी वजह से। तो अभी शांत विषय एकदम थोड़ा सा संभाल लो, ये सब हंस रहे मेरे को अभी, लेकिन कोई ना एकदम आराम से। ओके छोटी कोमल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कोमल, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया वहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाया क्योंकि मेरा सासुरवाड़ी था वो। सो कोई ना, अभी घर आ गए और बहुत ही अच्छा गया दिन। सो कोई ना, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।